हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि बीकॉम सेम 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके लिए और आपको कौन कौन सी बुक्स परचेस करनी है, उसकी डिटेल मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों, छोटे सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सेम 3 के जो चैप्टर है वो मैंने यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। तो ये सब चैप्टर बीकॉम सेम 3 में आने वाले हैं और इसकी बुक्स आपको लानी है। कौन कौन सी बुक्स है तो हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले है कॉरपोरेट अकाउंट। इसमें कॉरपोरेट के लगते जितने भी हिसाब हो गए उसका बुक्स होगी। इसके बाद कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट पर्सर के लगते जितने भी हिसाब हो गए उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब यहाँ पर हो गए। इसके बाद स्टेट के बारे में तो आपने देखा ही होगा। टैक्सेशन, ये एक नया आपके लिए है टैक्सेशन, जो जितने भी टैक्स है गवर्नमेंट ने उसके बुक्स एक आएगी उसके टैक्सेशन। और इसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद कॉमर्शियल कम्युनिकेशन और इंग्लिश। ये बुक्स आपको परचेस करनी है तो कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं, कोई भी दुकान पर आपको मिल जाएगी। जो स्टेशनरी होगी वहाँ से आपको ये बुक्स मिल जाएगी। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। उसका आंसर मैं संडे कमेंट बॉक्स की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। इसके आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि बीकॉम सेम 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और आपको कौन सी बुक्स लानी है। इसकी वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इन सब चैप्टर्स की इन सब वीडियो बनाऊँ और आप सीख सको, अच्छे से अच्छा सीख सको। और आप भी एक और, हाँ, एक और डिटेल आपको बतानी थी कि अगर आप बीकॉम के बाद अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मैं इस चैनल पर अकाउंटेंट के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप भी उसकी वीडियो को देखकर अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।